नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है आरती इंडस्ट्री। इस कंपनी का नाम जो है आप सबने जो है वह जरूर सुना होगा। चलिए दोस्तों, आज इसका एनालिसिस जो है वह करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रिकर डॉट पिनोलॉजी पर। यहाँ पर जो है आपको कंपनी का एनालिसिस करने के लिए किसी भी की कोई प्रीमियम टूल की जो है वह जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आसानी से और फ्री में एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन जो है वो सिलेक्टिव हुआ रहता है। इसको जो है आपको कंसोलिडेटेड जो है वो करना है। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो ये प्राइस राइज जो है ये सब अभी आपको नहीं देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कंपनी का मार्केट कैप जो है वह कितना है। अगर कंपनी लार्ज कैप में आती है तो वहां पर जो है रिटर्न जो है आपको ज्यादा उम्मीद जो है वह नहीं करनी चाहिए। अगर 20-30% मिल जाता है तो वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन अगर कंपनी मिड कैप है तो आपको यह देखना चाहिए कि एटलीस्ट कंपनी की ग्रोथ जो है वो करीबन 50% के आसपास हो। और जो स्मॉल कैप कंपनी है उस पर आपको यह देखना चाहिए कि आप किस प्रकार से कम समय पर अपने पैसे को जो है डबल ट्रिपल जो है वह कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो ये 24,842 करोड़ रुपए का है। अभी इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग जो है जो कि काफी ज्यादा नहीं है, एक रीजनेबल जो है वह कर सकते हैं। एक मिड कैप टाइप की कंपनियों में जो है यह कंपनी जो है वह आती है। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि कंपनी जो है वह आखिर जो है वह करती क्या है। इसके लिए आपको स्क्रीन पर जाना है। यहाँ आरती इंडस्ट्री जो है वह टाइप करना है। मैंने पहले ही टाइप कर लिया है तो इसके आगे के बारे में जो है मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे अबाउट सेक्शन में कंपनी के बारे में बताती है। तो यह कंपनी जो है वह मैन्युफैक्चरिंग करती है किसकी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल की। और इनके जो प्लांट है वो किस एरिया में है, वे भी जगदीश, तेजा एंड कच्छ, ये सभी जो है वह गुजरात में आते हैं और महाराष्ट्र के तारापुर डिस्ट्रिक्ट पर जो है वह आते हैं। दोस्तों, अगर कोई केमिकल क्षेत्र की कंपनी है तो वह केमिकल जो है वह कैसे बनाती है। इसके लिए जो बेसिक रॉ इंग्रेडिएंट होता है वह होता है पेट्रोलियम का। इसके अलावा जो है वह की कंपनियां होती है जो कि कई प्रकार के नेचुरल भी केमिकल जो है वह बनाती है। लेकिन अगर आप मेजर देखेंगे तो जो कंपनियां जो है वह अधिकतर केमिकल जो है वह पेट्रोलियम से बनता है। तो गुजरात के एरिया जो है वह वैसे भी इंडस्ट्रियल काफी रिच एरिया है, वहाँ इंडस्ट्री जो है वह बहुत सारी है। तो उसी क्षेत्र से जो है यह कंपनी जो है वह आती है। तो अगर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसका बिजनेस के बारे में, अगर आप केमिकल क्षेत्र केमिकल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको ज्यादा कुछ एनालिसिस जो है वह नहीं कर पाएंगे। आपको ये देखना ही है कि कंपनी की 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 2 R&D सेंटर है। पता नहीं कंपनी कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करती है, बट ठीक है, 2 R&D सेंटर जो है वह बना कर रखी हुई है। 5 कोजनरेटेड पावर प्लांट है। इसके प्रोडक्ट जो है वह 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है और 700 से ज्यादा इसके डोमेस्टिक जो है वह कस्टमर है। दोस्तों, अगर इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो यह B2C ना होकर B2B है। यानी यह जो है अपने केमिकल बनाती है वह आपको डायरेक्टली जो है वह सर्व जो सेल से जो है वह नहीं कर सकती है। यह जो केमिकल बनाएगी वह किसी कंपनी को बनाएगी, जैसे मान लीजिए टाटा केमिकल हो गया या फिर और भी दूसरी कंपनियां हो गई, पेंट की कंपनियां हो गई, तो उन सभी को जो है यह केमिकल की सप्लाई करेगी और फिर वह कंपनी जो है वह फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी जो आपके साथ जो है वह डिस्टर्ब होगा। यानी यह एक B2C बिजनेस ना होकर B2B बिजनेस है। और इस पर जो है काफी ज्यादा इसके पास जो है वह क्लाइंट है, जो कि अच्छी बात हो जाती है। कंपनी इसके अलावा 400 से ज्यादा कस्टमरों को एक्सपोर्ट करती है, जो कि 60 से ज्यादा कंट्री पर अवेलेबल है। इनका मेजर ब्रांड है USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोप और जापान, यानी इन तीनों पर अगर आर्थिक उन्नति होती है तो इसका फायदा जो है इस कंपनी को होगा। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं होता है। जो मेनली डिपेंड करता है वह
देश की डोमेस्टिक सेल्स पर ही निर्भर करती है, क्योंकि 60% जो है वह यहीं से आता है और बाकी जो है वह 40% जो है वह यूएसए, यूरोप, जापान से जो है वह आता है। अगर आप देखेंगे तो यह कंपनी जो है वह फार्मास्यूटिकल जो हो गया, यानी जो मेडिसिन वगैरह बनाने वाली कंपनी है, उस क्षेत्र पर एग्रोकेमिकल यानी जो प्लांट वगैरह के लिए जो केमिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं उनमें पॉलीमर यानी जो प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गया, पिगमेंट्स, प्रिंटिंग इंक हो गया, डाइस हो गया, फ्यूल एडिटिव्स, एरोमेटिक सर्फेक्टेंट्स एंड वेरियस अदर स्पेशलिटी केमिकल में क्या कंपनी जो है वह अपने प्रोडक्ट जो है वह बनाती है। अगर इनके क्लाइंट की बात करें तो ये सभी उसके जो है वह क्लाइंट है, पिगमेंट, प्रिंटिंग इंक, ये सभी जो है आप देख सकते हैं, सभी को जो है आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस में कैसा है। तो अगर यह कंपनी 52% जो है वह एक्सपोर्ट जो है वह करती है, तो इसमें नॉर्थ अमेरिका से 13, यूरोप से 11, चाइना से 6 और जापान से 3, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 15% जो है वह आता है। कंपनी ने प्लांट भी जो है वह बना रही है। इसके अलावा जो है कंपनी को नए कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वह मिल ही रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी की मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप जो है जैसा कि हमने देखा था कि काफी ज्यादा जो है वह नहीं है, लेकिन अगर आप इसका पी देखेंगे तो यह करीबन 60 के पी पर जो है वह ट्रेड कर रहा है, जो कि ओवर वैल्यू है। जब आप किसी भी कंपनी को इतने हाई पी पर जो है वह ले लेते हैं तो उसके बाद वहां से रिटर्न बनाना जो है वह काफी ज्यादा जो है वह मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि इस शेयर को देखेंगे तो पिछले 3 साल में इसने कुछ खास रिटर्न जो है वह नहीं दिया है, जबकि 3 साल पे ही अपने ऑल टाइम हाई लेवल से नीचे की वैल्यू पर जो है वह ट्रेड कर रहे हैं। 5 साल पर भी देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न जो है वह नहीं बना है, क्योंकि 5 साल पहले भी देखेंगे तो इसका पी जो है वह काफी ज्यादा हाई था, 60 के पी पर जो है वह चला गया था। कंपनी के अगर यहाँ देखेंगे तो प्रोस में कुछ नहीं है और रेड फ्लैग में है। यह 4.70 टाइम से बुक वैल्यू पर जो है वह ट्रेड जो है वह कर रहा है। और इसके अलावा कंपनी के जो प्रमोटर है वह भी अपनी होल्डिंग को जो है वह कम करते जा रहे हैं। इसके पेयर कंपैरिजन में देखेंगे तो पीडी लाइट है, एल इंडिया है, एसआरएफ गुजरात है, यानी काफी अच्छी अच्छी कंपनियां इस सेक्टर में मौजूद है, जिसको जो है आप देख सकते हैं। और यहाँ जो है वह क्वार्टरली रिजल्ट जो है वह बताया गया है। यहाँ देखेंगे कि तो मार्च 2021 में इसका सेल्स जो है वह 1209 करोड़ था, जो कि अभी 1700 जो है वह हो गया है। यानी सेल्स पर भी देखेंगे तो कुछ खास तेजी जो है वह नहीं देखी इतने को मिली है। प्रॉफिट देखेंगे तो 2086 करोड़ था और अभी जो है बढ़ के 6372 करोड़ हो गया है, जो कि काफी ठीक ठाक कह सकते हैं, पर काफी ज्यादा नहीं है। अगर इसका ईपीएस देखेंगे तो यह 4.25 था, और जो कि अभी धीरे धीरे बढ़कर 15 तक गया, 15 से फिर यहाँ 32 गया, और अभी जो है वह कम हो गया है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 सालों में 9% का है, 5 सालों में 9%, 3 साल में 12%, मतलब देखेंगे सेल्स ग्रोथ जो है वह ज्यादा नहीं है। प्रॉफिट भी कंपनी जो है वह नहीं कर पा रही है। कंपनी का सीएजीआर जो है वह पिछले 10 साल का 32% का है, लेकिन पिछले 5 साल में देखेंगे तो 12%, यानी अगर निफ्टी पे ईटीएफ में अगर आप डाल दिए रहते तो काफी अच्छा था, वहाँ आपको एटलीस्ट 14% का जो है वह रिटर्न मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 18%, 16%, मतलब ठीक है, ओके ओके, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस जो है वन नहीं है। अब यहाँ पर जब आप स्कैनर पर आते हैं तो एक सबसे बेसिक पॉइंट आपको मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो पहले प्रमोटर के पास 53.78% है, जो कि धीरे धीरे कम होकर, मतलब प्रमोटर जो है अपना माल जो है वह निकालता जा रहा है, अपनी शेयर होल्डिंग जो है वह कम करते जा रहा है, और अभी यह 43% पर जो है वह आ गया है। एफआईआई जो है वह अपनी होल्डिंग जो है वह बढ़ा रहे हैं। डीआईआई जो है वह
होल्डिंग जो है वह बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ देखेंगे तो पब्लिक जो है वह भी अपनी शेयर होल्डिंग जो है वह बढ़ा रही है। जैसे मार्च 2023 में 21,000 शेयर होल्डर थे, जो कि अभी बढ़कर जो है 3,77,953 हो गए हैं, जो कि काफी ज्यादा है। यानी इसका जो है वह प्रचार प्रसार जो है वह काफी ज्यादा जो है वह होता है। अब बात करते हैं तिजोरी फाइनेंस पर। तिजोरी फाइनेंस पर आएंगे तो यह कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप जो है वह दिखाएगा। देखो, यह कंपनी जो स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, उससे कंपनी का 83% जो है वह रेवेन्यू आता है, और फार्मास्यूटिकल से 16% का जो है वह आता है। यानी फार्मा की तरह से काफी ज्यादा कम है। कंपनी का मेजर मार्केट जो है वह इंडिया है, लेकिन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 28% जो है वह आता है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका से 11, यूरोप से 4 और चाइना से 4% जो है वह आता है। इसके अलावा जापान भी 3% जो है इसके प्रोडक्ट जो है वह लाता है। अगर वर्टिकल की बात करें तो यह एग्रोकेमिकल कंपनी से 22%, डाइस प्रिंटिंग पिगमेंट से 12%, पॉलीमर से 10% एंड फार्मास्यूटिकल से 9% रेवेन्यू जो है वह आता है। कंपनी को अगर आप देखेंगे तो कुछ खास एक्स्ट्रा एडवांटेजेस जो है वन नहीं है दोस्तों। अगर आप शेयर मार्केट पर आ रहे हैं और आप खुद से कंपनियों पर निवेश करने जा रहे हैं, तो आपको काफी सोच समझ कर जो है वह निर्णय लेना होता है। यह कंपनी जो है वह केमिकल क्षेत्र की कंपनी है। इस कंपनी पर जो है काफी, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह देखेंगे तो काफी कम है, और इसके कंपैरिजन में और भी दूसरी सारी कंपनियां जो है वह मार्केट पर लिस्टेड है, जिसके जो है वह आप एनालिसिस जो है वह कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी जो है वह प्रमोटर भी अपना माल जो है वह निकाल ले रहा है, यानी अपने शेयर को जो है वह बेच रहा है, और पब्लिक जो है वह इस शेयर पर जो है वह घुसी हुई पड़ी हुई है। यानी ओवरऑल देखेंगे तो यह कंपनी से आपको कुछ खास रिटर्न जो है वह नहीं मिलेगा। हाँ, पर एक रीजनेबल रिटर्न जो है वह मिल सकता है, क्योंकि अभी केमिकल क्षेत्र में देखेंगे तो चाइना में जो है वह स्लो डाउन है, और यह स्लो डाउन जो है वह कब तक रहेगी कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा जो है वह पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति भी जो है वह अभी अच्छी नहीं चल रही है। जो इंटरेस्ट रेट है वह अपने ऑल टाइम हाई पर जो है वह है, यानी इसमें कटौती होती है तो इसका बेनिफिशियली जो है यह कंपनी होगा, पर कुछ खास नहीं होगा। बाकी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर कर ले। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसी तरह की और वीडियो के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।